राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर के भित्रीडी गांव में आज पिछले एक साल से नलकूप अधूरा होने के कारण मुरली सहित 65 परिवारों को सिंचाई की व्यवस्था ना होने से बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी है भाई, पानी बिना खेती ना हो पावत, तो धान एकदम चला गए, बरसात भय ना, ट्यूबवेल का ढांचा लाग बा, ट्यूबवेल का चलबे ना होत बा, प्रधान कहिया थे तब तब लगाए रहा थे। सरकारी ट्यूबवेल लाग बा? सरकारी ट्यूबवेल है, लाइट अब ना आए बा। अच्छा, अपने खेत बा जो नुकसान बा क्या और क्या होता है? मतलब बाड़ी बगल जितना है सब कहे बा। चाचा, अगर धान ना भय तो कैसे अपन लड़के बच्चा जिये थे? कैसे जी है, कौन मजदूर है तो कहीं हो और का हो। परेशानी साहब है बा, धान वन खेती बाड़ी मुआरा हो जात बा, सरकारी ट्यूबवेल लाग बहु को आशा नहीं आ रहा था कि अब पानी हो जाए, कुछ भर जाए बोई जाए, वो साल भर से लाग बा वह ना चलत बा। वो हमें कौनो व्यवस्था ना बा? कौनो व्यवस्था साहब ना, जब चलते ही नहीं आवत कौन व्यवस्था बा वो हमें। तब लड़का बच्चा कैसे रोजी रोटी चलत है? साहब कैसे रोजी रोजगार चल, वैसे कहूँ कमाई धमाई लाग जात बा, 3 जून के बदला या कई जून मिलत बा खाई के, और कैसे रोटी ऐसे चलत बा साहब। हमारे गांव में धान की फसल इसलिए नष्ट हो गई क्योंकि इस साल बरसात नहीं हुई। एक सरकारी ट्यूबवेल लगी थी, राजकीय नलकूप लगा था, जिसमें सभी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, मोटर नहीं लगा था, नहीं लगा, लाइट नहीं खींची गई, नाली नहीं बनी, पाइपलाइन नहीं बिछी, जिससे पानी नहीं उपलब्ध हो पाया और लोगों की फसलें सूख गई। इससे पहले भी यही होता था? हाँ, इसके पहले जब कोई साधन नहीं था इसलिए हमेशा फसलें सूखती थी। इस साल साधन भी बना लेकिन पूरा नहीं हो, उसमें संसाधन उपलब्ध हो पाए, इस साल भी सूख गई। राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर के अकबरपुर ब्लॉक के भित्री डी गांव में नलकूप विभाग से नल का ढांचा पूरा खड़ा था, पर उसमें कोई ऐसा सामान नहीं था जिससे चल सके, ना तो मोटर लगा था उसमें और ना तो उस पर कनेक्शन हुआ था। इसको लेके मैं माह नवंबर में एक इशू वीडियो बनाई थी और मुरली सहित बहुत से लोग ऐसे थे जो पूरे गाँव के लोग उससे प्रभावित होते थे, हर सालीना उनकी फसल नुकसान होती थी, पर उसको लेके हम बहुत संघर्षों के बाद आज उस पर इम्पैक्ट आया, नलकूप विभाग में पूरे ढांचे लगे और पूरा उसका चालू हुआ। और मैं गायत्री, ये है मेरा समुदाय। कहाँ आ रहे हैं? आ रहे हैं अकबरपुर नलकूप विभाग। क्या कर रहे? ट्यूबवेल सरकारी है, चालू ना है ना, 2 साल हो गए लागे उसका, अब अंदर चालू ना भर पर लाइन खींच गए। तो का चाहत है? अब चले चाहिए, वही चाहिए था, मतलब किसानी गड़बड़ा, धान ना परेशान ना भर, ऐसा फिर वह हाल हुआ, अब तक कोनो का सोचना ना है, अब बन जाए तब बन जाए, ये लाग बा फिर यार, मतलब गन्ना सन्ना बोए के रहा कुछ बोई नहीं जाता वही का साम। कौन परेशानी रही आपकी? परेशानी आज तक यहाँ जो है ट्यूबवेल ना हो के कारण जो फसल सूख जात रहे, कम से कम पैदावार यहाँ होत रहे, लोग जो है के मोल लगे खान खात रहें, लेकिन आप सबके सहयोग से 4-5 महीना पहले वीडियो बनाए से ये जो है कि यहाँ सब नलकूप विभाग में जल प्रबंधक समिति बैठक से नलकूप विभाग में जाए के आज जो है मोटर लागे के बाद अब जो है यहाँ फसल अच्छी हुए। आपने जब वीडियो बनाने के बाद हम इंटरफेस किए, नलकूप विभाग में गए, जे से बात की, एक्सियन से बात की, फिर उसके बाद सब जगह अप्लीकेशन दिए, लेटर दिए, उसके बाद नलकूप की प्रक्रिया आगे चली, फिर इसकी नाली बनवाई गई, इंटर पाइप डाली गई, फिर एक दिन हम नलकूप विभाग में गए और गांव के लोगों के साथ जब नलकूप विभाग में गए, आप भी मेरे साथ थी, तो वहां से हमको केबिल मिली और उसके बाद वहां से आर्डर हुआ कि मिस्त्री जाकर तुरंत उसको बनाए, बनाने के बाद तो वो लगवाया गया और अब ट्यूबवेल चल रही है, पानी दे रही है। अब कोई दिक्कत नहीं है? नो प्रॉब्लम। आपका परिचय? हमारा परिचय है, हम नलकूप विभाग के ठेकेदार हैं, हमारा रामपाल नाम है। आपको यहाँ से कैसे काम मिला? यहाँ के लोग गए थे ब्लॉक और वहाँ जे ई ने बुलवा करके हमको काम दिए, यहाँ की ज़मीन असिंचित थी इसलिए हम यहाँ काम कराने आए। यहाँ की ज़मीनें जो थी बहुत अच्छी उपजाऊ ज़मीन है, पर यहाँ पानी के नाते फसलें सूख जाती थी, तो हम तो इस पर वीडियो बनाए थे। हाँ, तो इसी पर हमको ये काम मिला था। कौन परेशानी रही? परेशानी सिंचाई पताई रही है, सरकारी ट्यूबवेल लाग रही, दिशा से खड़ी रही, मतलब जब से आप वीडियो बनाए तब से दौड़ धूप हो लाग, जे कि यहाँ गए नलकूप विभाग में गए, मतलब सुनवाई भय, मतलब चालू है ये ट्यूबवेल। सरकारी ट्यूबवेल एकदम बनी रही, कंप्लीट रही कि फिर बाद में बना? फिर बाद में बना। मैं
मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से इसी वीडियो बने ताकि उस पर इम्पैक्ट आ सके जैसे नलकूप विभाग पर आया। मैं गायत्री राज उत्तर प्रदेश जनपद अम्बेडकर नगर इंडिया अनहट के लिए।